मुंबई से सटे मीरा रोड में सरस्वती वैद्य की हत्या का मामला लगातार उलझता ही जा रहा है। और इस बीच पुलिस ने इस मामले को लेकर के एक बड़ा पर्दाफाश किया है और दावा किया कि आरोपी पार्टनर मनोज साने ने वेब सीरीज देखकर इस हत्या का प्लान बनाया था और इसके साथ ही उसने शव को कैसे डिकम्पोज किया जाए इसे लेकर इंटरनेट पर भी सर्च किया था। पुलिस ने आरोपी पार्टनर के मोबाइल के कई अहम सुराग जुटाए हैं और अब आगे तफ्तीश को बढ़ाती नजर आ रही है। वेब सीरीज देखकर दरिंदगी का प्लान, मोबाइल की सर्च हिस्ट्री से मिले अहम सुराग। मुंबई के कसाई को लेकर बड़ा पर्दाफाश। मुंबई के पास मीरा रोड में महिला की हत्या का मामला लगातार उलझता ही जा रहा है, लेकिन अब पुलिस के हाथ कुछ ऐसी जानकारी लगी है जिससे पुलिस हैरान है। महिला पार्टनर के साथ ऐसी दरिंदगी कोई कैसे कर सकता है, ये सोचकर भी पुलिस परेशान है। पुलिस ने जो नए दावे किए हैं उसके बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। दावा किया गया कि आरोपी के मोबाइल से कई अहम सुराग मिले। दावा किया गया कि आरोपी पार्टनर ने वेब सीरीज देखकर हत्या की प्लानिंग की और हत्या से पहले आरोपी मनोज साने ने वेब सीरीज भी देखी थी। हालांकि पुलिस पहले भी दावा कर चुकी है कि हत्या 3 जून को की गई थी, लेकिन इसकी प्लानिंग पहले से आरोपी ने कर रखी थी। लेकिन अब दावा किया गया कि आरोपी के मोबाइल की सर्च हिस्ट्री से चौंकाने वाली जानकारी मिली है। दावा है कि मनोज साने ने बॉडी को कैसे डिकम्पोज किया जाए इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च किया था। उसके बाद 4 जून को भायंदर ईस्ट इलाके से 4,000 रुपए में पेड़ काटने वाला कटर मशीन खरीदा। उसके ठीक एक दिन बाद उसने 5 जून को कटर मशीन से शव के टुकड़े किए। पुलिस का दावा है कि उसके बाद आरोपी ने शव के टुकड़ों को 3 बाल्टियों में रखा। लिव इन पार्टनर की निर्मम हत्या का आरोप मनोज साने पर है, लेकिन इसी बीच दावा है कि हत्या के बाद उसे सरस्वती की बार बार याद भी आती थी, जिसके बाद वो उसकी फोटो देखता था। दावा है कि आरोपी ने हत्या के बाद सरस्वती के शव की फोटो ली। पुलिस को आरोपी के मोबाइल से हत्या के बाद की फोटो भी मिली। कहा जा रहा है कि सरस्वती की याद आने पर आरोपी उसकी फोटो देखता था। हालांकि दावा है कि पुलिस को उस फोटो में सरस्वती के शरीर पर चोट के निशान भी मिले। सरस्वती की हत्या की गुत्थी लगातार उलझती ही जा रही है, लेकिन पुलिस के सूत्रों की माने तो आरोपी मनोज साने के घर से 5 बोतल नीलगिरी ऑयल भी मिली, जिसका इस्तेमाल मृतक के हड्डियों को उबालने में किया गया था। इसके साथ ही दावा है कि सरस्वती की हत्या के समय आरोपी ने जो कपड़े पहने थे उसे ठिकाने लगा चुका है। हालांकि पुलिस उसकी खोजबीन कर रही है, लेकिन अभी भी पुलिस के सामने सबसे बड़ी परेशानी कुछ और ही है, क्योंकि दावा है कि पुलिस को मृतक के शरीर का 10% हिस्सा अभी भी नहीं मिला है। इसके साथ ही पुलिस को अभी भी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। मीरा रोड हत्याकांड से जुड़ी एक और बेहद अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। एक नया दावा किया जा रहा है। मीरा रोड में जहां सरस्वती की हत्या को अंजाम दिया गया था, वहां से कुछ दूरी पर एक सरकारी राशन की दरअसल दुकान है और उसी के दुकानदार ने दावा किया है कि मनोज साने उसकी दुकान पर हत्या के 2 दिन बाद सुबह आया था और 1 घंटे तक दुकान पर रुका और 1 घंटे में 3 सिगरेट पी गया। दुकानदार का कहना है कि इतनी सिगरेट पीते हुए उसने मनोज को कभी नहीं देखा था। तो ठाणे के मीरा रोड हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सरस्वती के शव को जिस कटर से मनोज साने ने टुकड़ों में काटा, वो उसे हत्या से पहले ठीक करवाने एक दुकान पर भी गया था और शक ये है कि उसने हत्या का प्लान बहुत पहले से बनाकर रखा था। है कि मनोज साने अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती को पहले ही मौत के घाट उतारने का प्लान बना चुका था।
सूत्रों के मुताबिक जिस कटर से उसने सरस्वती के टुकड़े किए वो उसे हत्या से पहले ठीक करवाने एक दुकान पर ले गया था। ये वही दुकान थी जहां से उसने इस कटर को खरीदा था, जिसका मतलब हुआ कि पहले से ही हत्या का प्लान बना चुका था। वो लकड़ा काटने का मशीन था, उसका चैन उतर गया था। तो क्या बोला उसने? चैन सेटिंग करके दिया बस। दावा तो ये भी है कि हत्या के बाद सरस्वती के शव के साथ क्या और कैसे करना है उसका भी मनोज साने ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका था, जिसके तहत उसने हत्या के बाद कटर से शव के टुकड़े कर दिए। मनोज साने पर आरोप है कि उसने अपने लिव इन पार्टनर के शव को टुकड़े करने के बाद उन्हें उबाला था, जिन्हें वो ठिकाने लगाने में जुटा था, लेकिन उसके फ्लैट से आ रही बदबू ने उसका सारा प्लान चौपट कर दिया, क्योंकि फ्लैट से आती बदबू की शिकायत उसके पड़ोसियों ने पुलिस से कर दी, जिसकी वजह से उसका भांडाफोड़ हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मनोज साने के फ्लैट से 3 बाल्टी खून और शव का हिस्सा मिला। सूत्रों के मुताबिक खबर तो ये भी है कि वो हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद एक सरकारी राशन की दुकान पर गया था। वहीं से पीछे कुछ दूरी पर ये दुकान शिफ्ट हुई और वो दुकान फिलहाल यहाँ पे आ गई राशन की, और इस वक्त ये राशन की दुकान यहाँ पर है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 6 जून को मनोज साने यहाँ पर आए थे, इस दुकान पर आए भी थे और बातचीत भी दुकानदार से की थी। सरकारी राशन की दुकान पर करीब 1 घंटे तक मनोज साने मौजूद रहा। इस दौरान उसने दुकानदार से बातचीत भी की। पहले वो इसी राशन की दुकान पर काम करता था। दुकानदार के मुताबिक वो टेंशन में लग रहा था। फिर बैंक में गए, बैंक में उन्होंने पैसा भरा क्या निकाला वो मुझे नहीं मालूम। फिर वो अपनी दुकान में गए, दुकान में बैठे 1 घंटे दुकान में बैठे। वहाँ से वो रिपोर्ट था ऑफिस से, तो ऑफिस ऑफिस गए 11:30 बजे के बाद में क्या मालूम नहीं, लेकिन कल मालूम पड़ा कि इन्होंने इतना ऐसा कांड किया। दुकानदार के मुताबिक मनोज साने ने वहाँ खड़े होकर 3 सिगरेट पी, जिसके बाद वो पास के ही एक बैंक में चला गया। जैसा कि दुकानदार बता रहे हैं कि 1 घंटे में उसने 3 सिगरेट पी, और सिगरेट पीने के दौरान वो लगातार घूम फिर रहा था दुकान से लेकर थोड़ी दूरी तक, और ऐसा लग रहा था कि जाहिर तौर पर किसी टेंशन में है, और टेंशन में हो क्योंकि 4 जून को उसने हत्या को अंजाम दिया था और हत्या को अंजाम देने के बाद बॉडी को कट कर दिया था। ये बैंक है जिसमें वो विजिट करने के लिए आया था, जो दुकानदार बता रहे हैं। दुकानदार ने बताया कि आरोपी मनोज साने ने बैंक खोलने का समय पूछा था और सिगरेट पीते हुए लगातार टहल रहा था। दुकानदार ने बताया कि उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो किसी का मर्डर करके वहाँ आया हो। उन्हें बाद में इस बात का पता चला कि उसने एक लड़की का खून किया था और उसके शव के टुकड़े किए थे। और इस खबर पर नजदीक से नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी दिवाकर सिंह ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर, जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, कुछ नई जानकारियां सामने आ रही है, और जो अब इस वक्त तफ्तीश में सामने आ रहा है वो क्या? वो आरोपी मनोज साने के मोबाइल से मिली है। मोबाइल की जांच के बाद तमाम ऐसे सबूत पुलिस को मिले हैं जो कि मनोज साने के लिए एक मजबूत केस बनाने में बेहद ही अहम साबित होंगे। मोबाइल में साफ तौर पर जो सरस्वती है उसका एक फोटो भी मिला है, और पुलिस का ये कहना है कि ये फोटो जब सरस्वती की हत्या को अंजाम दे दिया गया था उसके बाद आरोपी ने खींचा था, और जब आरोपी से इसको लेकर पूछताछ की गई तो उसने ये कबूल किया कि हाँ उसने वो फोटो खींची थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह जब भी उसको याद आती थी सरस्वती की, उसको याद करने के लिए वो फोटो देख लेता था। इसके अलावा जो बॉडी डिकम्पोज करने को लेकर किस तरह से करना है उसका उसने गूगल सर्च किया था, गूगल हिस्ट्री भी पुलिस के हाथ लगी है उसके मोबाइल फोन से, और एक बड़ा सबूत अब पुलिस के लिए गूगल हिस्ट्री साबित होने वाली है। तीसरी अहम चीज, क्योंकि इस तरह लगातार आरोपी अपने बयान बदल रहा है, उसको देखते हुए जो है पुलिस लगातार उसके बयानों को वेरीफाई कर रही है। नई चीज इसमें यह सामने आ रही है कि आरोपी ने कहा कि उसने सरस्वती के बॉडी के किसी पार्ट्स को भी बाहर ठिकाने नहीं लगाया है, लेकिन पुलिस ने जब गीता आकाशदीप सोसाइटी की जहां पर दोनों रहते थे उसका सीसीटीवी फुटेज खंगाला, तो उसमें एक फुटेज में आरोपी अपने कंधे पर ब्लैक कलर की पॉलिथीन में कुछ सामान ले जाते हुए दिखा है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि पता लगाने की कोशिश।